से पहले हम देखते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है तो देखिए यहां पे तीन चीजों के कॉन्सेप्ट आएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है सो फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है इसे हम फॉरेक्स भी कहते हैं इन शॉर्ट में तो ये क्या है कन्वर्जन है एक कंट्री की करेंसी जब दूसरी कंट्री की करेंसी से कन्वर्ट होती है उसकी कन्वर्जन को ही हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सचेंज मतलब क्या होता है लेन देन करना ना आपने दिया उसके बदले आपको कोई चीज़ मिली है और फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पर क्या हो गया फ़ॉरन करेंसीज़ में डील करना तो दो करेंसीज़ होती है एक आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है दूसरी फॉरेन करेंसी होती है तो जो नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर जो कर जो करेंसी आपके एक्सेप्टेबल होती है लीगल टेंडर होती है उसे हम डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं और नेशनल बाउंड्रीज़ के बियॉन्ड जो करेंसी सर्कुलेशन में होती है उसे हम फॉरेन करेंसी कहते हैं तो जब डोमेस्टिक करेंसी फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट होती है या एक्सचेंज होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं राइट right? अब जैसे कि आप यूएस डॉलर को यूरो में स्वैप करते हैं रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं राइट right? या फिर येन को यूरो में कर रहे हैं तो किसी भी करेंसीज़ को जब आप एक्सचेंज करते हैं स्वैप करते हैं एक दूसरे से चेंज करते हैं तो उसी को हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं राइट right? अब बात करते हैं रेट की तो जिस रेट पे फॉरन एक्सचेंज रेट क्या होता है जिस रेट पे ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है जिस रेट पे ये कन्वर्जन होता है उसी रेट को हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं अब ये जो एक्सचेंज होगा जो ये रेट हो डिटरमाइन हुआ है वो एक्सचेंज ये ट्रेडिंग ये कहाँ पर होगी एक मार्केट में होंगी तो उस मार्केट को कहते हैं फॉरन एक्सचेंज मार्केट तो राइट तो जो वो मार्केट जहाँ पे ये एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन होते हैं उस मार्केट को हम क्या कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं और आपको ये बता दें कि आपने कभी देखा ऐसे नॉर्मल मार्केट जैसे आप देखते हो ना कि फ्रूट मार्केट है वेजिटेबल मार्केट है या ऐसे नॉर्मल यहाँ पे आपको कपड़े की शॉप मिलेंगी ये यहाँ का मार्केट हो गया तो कभी आपने देखा है कि ऐसे करेंसीज़ की डीलिंग के लिए कोई मार्केट हो गया कि जहाँ पे आपको डॉलर मिल रहा है यूरो मिल रहा है येन मिल रहा है स्टर्लिंग मिल रही है ऐसा कोई मार्केट तो होता है, नहीं है लेकिन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है मीन्स जहां पे आपकी करेंसीज डील करेंगी ट्रेडिंग होगी उसी मार्केट को हम फॉरन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं सो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन सा मार्केट होता? होता है ओटीसी मार्केट होता है दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट अब ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है जैसे बैंक काउंटर पर डील करना ओवर द काउंटर तो काउंटर पर डील करना तो दैट इज बैंक तो बैंक में आप ये क्या करते हैं ये डीलिंग को पूरा कंप्लीट करते हैं सो फॉरेन एक्सचेंज एक्जैक्टली क्या हो गया कौन सा मार्केट हो गया आपका बैंक हो गई ओवर द काउंटर तो इसे बैंक टर्म नहीं कहते ओ टी मार्केट कहते हैं क्लियर है तो तीन चीज़ें हो गई फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया कन्वर्जन हो गया एक करेंसी से दूसरी करेंसी में कन्वर्स करना डोमेस्टिक टू फॉरन तो उसी को हम कहते हैं फॉरन एक्सचेंज जिस रेट पे इन दोनों को कन्वर्जन होता है दैट इज़ फ़ॉर एक्सचेंज रेट जिस जगह पे जैसे उधर ओवर द काउंटर मार्केट ओ टी मार्केट जिस मार्केट में ये एक्सचेंज पॉसिबल होता है उसी को कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कहते हैं अब हम बात करते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज रेट को या फॉरेन एक्सचेंज का ये जो चीज़ है रेट है वो कैसे उसको इफेक्ट करते हैं अब एक चीज़ साथ में मैं आपको और बता दूँ कोटिंग तो कोटिंग कैसे होती है फॉरेन एक्सचेंज ये जो रेट होती है उसकी कोटिंग होती है डायरेक्ट कोट करते हैं या इनडायरेक्ट कोट कोट हैं तो दो तरीके की कोटिंग होगी एक होगी आपका डायरेक्ट कोट दूसरा होता है इनडायरेक्ट कोट डायरेक्ट कोट क्या हो गया जब वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो वो क्या कहलाता है डायरेक्ट कोड कहलाता है जैसे मैंने बोला कि वन डॉलर इज़ इक्वल टू सेवेंटी थ्री रुपीज़ तो ये कैसा क्या है डायरेक्ट कोट हो गया और इसको लिखते हैं रुपीज पर डॉलर इक्वल टू सेवेंटी थ्री राइट अब इनडायरेक्ट कोट करना होगा तो कैसे होगा कि वन यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज इक्वल टू हाउ मच यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी तो मैं क्या कर दूंगी वन रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर तो इस तरह की जब कोटिंग आएगी तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट करना राइट right? अब बैंक भी जब कोट करते हैं तो बिड रेट आस्क रेट के थ्रू कोट करते हैं फिलहाल हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं तो हम यहाँ पे पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं सो so फैक्टर्स में फर्स्ट लेते हैं इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन की वजह से भी एक्सचेंज रेट आपका इफेक्टेड होता है अब नॉर्मल सी चीज़ है कि इन्फ्लेशन क्या होता है जब आपकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती हैं गुड्स की जो प्राइसेस होती हैं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ऐसा क्यों होता है कि मार्केट में मनी की जो सप्लाई होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है तो गुड्स की प्राइसेस क्या हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज प्राइसेस राइज़ हो जाती हैं तो अल्टीमेटली जो मनी की वैल्यू है वो क्या कर जाती है डिक्रीज़ कर जाती है अब इससे क्या होगा कि आपका जो एक्सचेंज रेट है मतलब आपका जो कन्वर्जन है दूसरी करेंसी में कन्वर्जन है तो वो भी मुझे मनी की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो आपकी कंट्री आपकी जो करेंसी होगी वो क्या हो जाएगी वीक हो जाएगी तो बट ऑबली बात है दूसरी जो फॉरेन करेंसी है वो स्ट्रांग दिखेगी तो यहाँ पे क्या होगा एक्सचेंज रेट अफेक्ट कर जाएगा आप एक्सचेंज रेट को इस तरह के समझिएगा कि जैसे कि आपके पास दो आपके पास गोल्ड कोइंस हैं और मेरे पास सिल्वर कॉइन्स है अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे गोल्ड कोइंस दे दीजिए मेरे सिल्वर कोइंस ले लीजिए तो कैसे आप ले लेंगे आप कहेंगे ठीक है एक सिल्वर कॉइन दे दो मैं आपको एक गोल्ड कॉइन दे देता तो? हूँ नहीं आप कभी ऐसा नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि आप कहेंगे मेरी गोल्ड कोइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है गोल्ड मतलब गोल्ड होता है और आपको तो सिल्वर है तो ऐसे मैं कैसे एक्सचेंज कर लूँ तो आप क्या कह रहे हैं रेट फिक्स करते हैं आपके पाँच सिल्वर के बराबर मेरा एक गोल्ड कॉइन होगा तो हमारा रेट क्या होगा फाइव इज टू वन आप पाँच सिल्वर देंगे तो हम क्या करेंगे एक गोल्ड देंगे ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमारी जो सिल्वर की कॉइन है वो उसकी वैल्यू क्या है डिक्रीज है रादर देन गोल्ड गोल्ड स्ट्रांग हो गई तो हम जब करेंसी आपकी वीक होगी तो आपको ज़्यादा पे कर देने पड़ेगा अपनी करेंसी को तब आप जाके दूसरी की करेंसी पा पाएंगे तो जैसे मैंने पांच सिल्वर दिया तो मुझे एक गोल्ड मिला अगर यही मेरे पास स्ट्रांग तो करेंसी होती तो शायद मैं एक देती और एक के बदले मुझे मिल जाती गोल्ड मेरी बात समझिएगा तो यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है कन्वर्जन का रेट क्या होता है इक्वलिटी पे होता है पैरिटी पे होता है इक्वल रेट डिसाइड करते हैं ना आपका लॉस हो ना मेरा लॉस हो तभी हम दोनों रेडी होंगे तो ये जो चीज़ें होंगी वही क्या कहलाता है आपका फॉरन एक्सचेंज रेट अब इन्फ्लेशन की वजह से रेट इफेक्ट करता है क्योंकि इन्फ्लेशन रहेगा तो मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी तो आपकी करेंसी वीक हो जाएगी जब वीक हो जाएगी तो रेट भी फ्लैक्चुएट करेंगे नेक्स्ट लेते हैं पॉलिटिकल कंडीशंस तो किसी भी इकनॉमिक किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिकल कंडीशन होती है वो उसके रेट को बहुत अफेक्ट करती है क्यों क्योंकि जो भी फिजिकल पॉलिसीज़ आती हैं जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होती हैं जैसे फिजिकल पॉलिसी टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर बनाती है वहीं अगर मॉनिटरी पॉलिसीज़ की बात करें तो आर फॉर्मुलेट करती है पर ये सब चीज़ें जो ये पॉलिसीज़ बनते हैं वो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए कंट्री को देखते हुए होती है तो जो गवर्नमेंट होती है उनसे ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस रहती हैं कि कभी कोई पॉलिसी ला रही है कोई नया रूल ला रही है एफडीआई के लिए उन्होंने अपने बजट में कुछ ज़्यादा ही इन्वेस्टमेंट के प्रोसीजर्स दिखा दिए या लॉ बना दिया तो उन सब चीज़ों से क्या होती है कि आपका एक्सचेंज रेट क्या होता है अफेक्टेड होता है अगर किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशन ऐसी है जो इनस्टेबल है बार बार चेंज हो रही है गवर्नमेंट चेंज हो रही है या गवर्नमेंट ऐसे ही कोई भी डिसीजन ले ले रही है तो उस केस में क्या होता है कि उस कंट्री की करेंसीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है क्यों क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी नहीं है फ्लैक्चुएट हो रही है क्योंकि जो पॉलिसी मेकर है वही स्टेबल नहीं है वो कभी कुछ डिसीजन ले रहा कभी कुछ डिसीजन ले ले रहा है या कभी किसी की गवर्नमेंट आ जा रही है कभी किसी की गवर्नमेंट आ जा रही है तो क्या होता है पूरी पॉलिसी चेंज हो जाने लगती है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट होते हैं आपके देन आ गया स्पेकुलेटिव एक्टिविटी तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की वजह से एक्सचेंज रेट फ्लैक्चुएट करता है अगर आप बात करें स्पेकुलेटिव एक्टिविटी की तो वो कैसे स्टार्ट होता है कि जैसे सपोज करिए कि क्या करते हैं किसी कंट्री की करेंसी को हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना है करेंसी की जो वैल्यू है किसी कंट्री की उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ करना तो हम क्या करेंगे उस करेंसी की सप्लाई को इंक्रीज़ कर देंगे सप्लाई कैसे इंक्रीज़ होगी हम उस करेंसी को सेल करना शुरू कर देंगे इंटरनेशनल मार्केट में जब करेंसी को हम कंटिन्यूस सेल करेंगे तो उससे क्या होगा मार्केट में वो करेंसी अवेलेबल ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई में जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है उसकी प्राइस भी कम हो जाती है गुड्स की बात कर लो जिस गुड्स की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी प्राइस बढ़ जाती है सो so, हम यहाँ पर स्पेकुलेशन भी ऐसे करते हैं जिसकी करेंसी की वैल्यू को फॉल करना होता है उस करेंसी को हम सेल करना शुरू कर देते हैं मार्केट में तो जब मार्केट में उसकी सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो प्राइस उसकी वैल्यू जो है अपने आप डिक्रीज हो फॉल कर जाएगी राइट right? इसी तरीके से अगर किसी की इंक्रीज़ करनी है वैल्यू को तो हम क्या करेंगे ये हमें पता है कि इस करेंसी फ्यूचर में ये राइज़ करने वाली है तो हम फटाफट उस करेंसी को परचेज़ करना शुरू कर देंगे अब जब हम परचेज़ करेंगे तो डिमांड राइज होगी जब डिमांड होगी तो उस करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ करना शुरू कर जाएगी तो ये इस तरीके से क्या हो गया हम मार्केट को अपने हिसाब से स्पेकुलेट कर रहे हैं अपने हिसाब से हम उसको सेल कर कर करके उसकी सप्लाई इंक्रीज़ कर दे रहे तो वैल्यू डाउन हो जा रही है हम ज़्यादा करेंसी फ़टाफट परचेज़ करके स्टोर कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है डिमांड हम आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहे हैं तो प्राइस क्या हो जा रही है राइट हो जा रही है तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज की वजह से एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट हो जाता है अब जिस जिसका डिमांड होना शुरू हो जाएगा उसकी रेट भी अपने आप हाई होने लगेंगे अचानक से ही मार्केट में सब कोई गोल्ड सिल्वर खरीदने लगे गोल्ड कोई पूछ ही नहीं रहा क्योंकि गोल्ड बहुत महंगे हैं या गोल्ड की कॉइन्स बहुत है तो इसको कैसे हम किसी ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ करें तो गोल्ड को हम स्टोर करेंगे हम सिल्वर में ट्रांजेक्शन करेंगे तो हर कोई को ट्रांजेक्शन करने के लिए सिल्वर कॉइन चाहिए तो अचानक क्या हो गया सिल्वर की डिमांड बढ़ गई अब किसी के पास सिल्वर नहीं है तो क्या कहेगा भाई ऐसा है कि सामान खरीदने के लिए सिल्वर चाहिए अब सिल्वर चाहिए तो सिल्वर अब कम हो जा रहे है क्योंकि डिमांड बहुत है इसकी तो क्या होगा अब सिल्वर स्ट्रॉन्ग करेंसी बन जाएगी तो ये इस तरीके से स्पेकुलेशन से भी हम क्या कर सकते हैं करेंसी के जो एक्सचेंज रेट है उसको आपका इफेक्ट डालते हैं उस पर देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं बीओपी तो देखिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है उसके बेसिस पे भी हमारा रेट डिसाइड होता है तो जो इक्वेलिविरम पॉइंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो इक्वेबिरम पॉइंट होता है मतलब जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल आते हैं वहाँ पर पैरिटी आती है तो जब पैरिटी आती है तो उसी उसी के बेसिस पर अपना एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं अगर ये इक्वेविरम पॉइंट से भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होगा तो हमारा रेट भी फ्लैक्चुएट करना शुरू हो जाएगा मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो आपकी करेंसी में लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा तो आपकी करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी इंक्रीज़ कर जाएगी जब आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ करेगी क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ को क्या करना है आपको पेमेंट करना है आपकी करेंसी में तो वो क्या करेंगे आपकी करेंसी की डिमांड को इंक्रीज़ करेंगे जब आपकी करेंसी की डिमांड इंक्रीज़ होगी तो बट ऑब्वियसली बात है उसकी राइ उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज़ होगी एक्सचेंज रेट भी चेंज हो जाएगा आपका आपकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी वहीं पे अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू कर दे रहे हैं तो कंडीशन दूसरी हो जाएगी क्योंकि आपको अब आप पेमेंट करना पड़ेगा दूसरी करेंसी में तो आपकी करेंसी थोड़ी वीक हो जाएगी तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में इक्वल नहीं आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्वल नहीं आएगा तो एक्सचेंज रेट भी फ्लैक्चुएट होगा आपका दूसरी बात है नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटरी कंडीशंस अब मॉनेटरी कंडीशंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो क्रेडिट uh, पॉलिसीज़ आती हैं जो भी क्रेडिट पॉलिसी हो गई है जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती है वो आरबीआई बी फॉर्मुलेट करती है अब सपोज करिए कि आरबीआई क्या करती है बैंक रेट को इंक्रीज़ कर दे रही है बैंक रेट को इंक्रीज़ करने से क्या हो जाएगा कि क्रेडिट क्रिएशन थोड़ा कंट्रोल होगा बैंक रेट क्या कर देगी मान लीजिए बैंक रेट इंक्रीज कर देगी या फिर हम सी आर आर की बात कर लेते हैं तो कैश रेट कैश रिजर्व रेशू क्या कर देगी बैंक इंक्रीज़ या डिक्रीज कर दे रही है अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर तो मान लीजिए सी आर आर इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा बैंकों को कैश ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा आर बी आई के पास जब कैश ज़्यादा रिजर्व रख देंगे तो वो बाहर मनी की सप्लाई भी उनकी कम हो जाएगी मतलब वो लोन भी कम प्रोवाइड करेंगे पब्लिक के पास तो मनी की सप्लाई कम होगी जब मनी की सप्लाई कम होगी हो तो क्या हो जाएगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल

नेक्स्ट देखते हैं आपका यहाँ पे हमारा फैक्टर्स हो गया अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स एक्सचेंज के राइ रिजम क्या होते हैं तो अब फॉरेन एक्सचेंज रिजम क्या होता है ये वो वो वे है जिसके हिसाब से अथॉरिटी क्या करती है पूरी करेंसीज़ को या पूरे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को रेगुलेट करती है राइट right? अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि मतलब शासन या वे ऑफ डूइंग आप कैसे इसको मैनेज करते हैं कैसे कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज ये कन्वर्जन किस बेसिस पे होता है रेट के बेसिस पे होता है तो कैसे हम रेट डिसाइड करते हैं हम कैसे डिसाइड करेंगे कैसे एक्सचेंज होगा आपका तो तीन तरीके के रेट होते हैं बेसिकली जैसे क्या क्या हो गया एक तो आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होता है दूसरा फिक्स एक्सचेंज रेट होता है और तीसरा पेड फ्लोट फ्लोट एक्सचेंज रेट होता है तो ये तीन हमारे क्या हो गए फॉरन एक्सचेंज के रेट हो गए अब हम एक एक करके समझते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या कहता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं कि ये ये जो रेट होता है कर, कर, करेंसी कन्वर्जन का वो रेट कौन डिसाइड करता है मार्केट फोर्स डिसाइड करती है मार्केट फोर्स मीन्स डिमांड और सप्लाई तो करेंसीज की अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी तो करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी करेंसी की वैल्यू भी स्ट्रांग होगी हो तो एक्सचेंज रेट भी उसी बेसिस पर डिसाइड होगा मतलब आपकी करेंसी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर हमारी करेंसी जैसे अभी मान लीजिए वन डॉलर इसकॉल टू सेवेंटी थ्री है तो सेवेंटी थ्री अगर मेरी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो वन डॉलर इसकॉल टू ट्वेंटी रुपीज देने पड़ जाएंगे तो इसका ये क्या करेगा कि अब हमारी करेंसी बहुत स्ट्रॉग है कंपैरिजन टू प्रेजेंट आपको अगर चाहिए तो आपको कितने पैसे देने होंगे पचास पैसे इसका मतलब क्या हो गया आप डॉलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कन्वर्जन रेट डिसाइड कर देता है तो ये कैसे होता है मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करता है तो जब हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं वो एक्सचेंज रेट किस बेसिस डिसाइड करेंगे आपके मार्केट फोर्स पे कि आपकी करेंसी की डिमांड कैसी चल रही है सप्लाई कैसी है मार्केट में तो उस हिसाब से हम आपका एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देंगे तो इस इस रेट में क्या होता है कोई भी इस रेट को फिक्स नहीं करने वाला है कोई गवर्न नहीं करेगा कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही हो कि नहीं रेट इतना ही रहेगा वन डॉलर को टू तो इतने ही रुपए चलेंगे चाहे जो भी हो जाए इस तरह से, से कुछ भी नहीं होगा कोई कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट का नहीं होगा ये सिर्फ़ और सिर्फ मार्केट फोर्स के थ्रू डिटरमाइन uh, किया जाएगा तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज हमेशा फ्लोट करते रहता है वैरी करते रहेगा जैसे आज सेवेंटी थ्री है कल सेवेंटी टू हो जाए फिर सेवेंटी वन हो जाए नेक्स्ट डे तो क्या हो रहा है ये जो रेट है कन्वर्जन रेट है वो फ्लोट कर रहा है चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है जैसे आपकी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है मार्केट फोर्स के बेसिस पे तो उसे हम फ्लोट रेट करते हैं एक से एग्जाम्पल लेते कि कौन सी कंट्रीज़ कैसे करती है तो जैसे यूएसए हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया कैनाडा हो गया जापान हो गया ये लोग क्या करती हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को फॉलो कर रही हैं इंडिया क्या कर, करती है मैनेज फ्लोट करती है मैनेज फ्लोट मतलब क्या हो जाता है कि फ्लोटिंग तो है मतलब वैरी तो करेगा पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस फ्लोटिंग रेट को मैनेज कर रही होती है कोशिश कर रही होती है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा हम अपने हिसाब से मेनटेन करें तो मतलब कभी जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा वीक हो रही है करेंसी आपकी तो वो क्या करना शुरू कर देती है आपकी डिमांड रेज़ करना शुरू कर देती है फॉरन करेंसीज को परचेज कर, मतलब रुपीज़ को एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगी तो आपकी कर की करेंसी मार्केट में डिमांड हो जाएगी पेमेंट करने के लिए तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना शुरू करेगी तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट कोशिश करती है रेट को मैनेज करने के लिए तो इंडिया का जो होता है मैनेज फ्लोट है फ्लोट करेगा वैरी करेगा टाइम टू टाइम पर कहीं ना कहीं इसको मैनेज किया जा रहा था इस रेट को वही यूएसए ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है फ्री फ्लोटिंग है मतलब कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्स पर डिपेंड करते हैं नेक्स्ट देखते हैं जैसे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट प्रजेंट क्या होता है तो ये क्या होता है यहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करती है अपनी करेंसी वैल्यूस को मेंटेन करने के लिए कैसे कि किस किस रेट से जैसे कि मान ली फ़ॉरन करेंसी है तो उस करेंसी के कन्वर्जन में जो हमारी कंट्री की करेंसी जाने वाली है उसका रेट कैसे डिसाइड करेगा गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड करेगा अब गवर्नमेंट क्या कर देते फिक्स कर देते कि दे ऐसा है कि उस फॉरन करेंसी के बदले हमारी करेंसी की वैल्यू इतनी ही रहेगी कोई मार्केट फोर्स नहीं कोई डिमांड एंड सप्लाई नहीं कोई कुछ नहीं गवर्नमेंट के थ्रू वो क्या हो जाएगी फिक्सड हो जाएगी इसको हम पेग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहते हैं और यहाँ पे क्या होता है ये कैसे करती है पेग के थ्रू हो जाती है कि जो बैंक है उसको फॉरेन करेंसीज का रिजर्व रख लेगी गोल्ड रख ले रखती है तो जो रखती है उसके बेसिस पे इसको फिक्स कर लेती है कि हमारे पास इतना है और टाइम टू टाइम अगर वो फ्लैक्चुएट होने की कंडीशन में होती है तो उसको सेल कर देगी या डिमांड रेज कर लेगी तो मतलब कंडीशन के हिसाब से गवर्नमेंट उसको कोशिश ये करती है कि वो फ़िक्सड ही रहे अब इस तरह का सिस्टम कौन फॉलो करता है जैसे यू हो गया कतर हो गया ओमान हो गया सऊदी अरब हो गई ये लोग फिक्स एक्सचेंज रेट को फॉलो करती हैं थर्ड क्या हो गया हमारा पैक्ट तो पैक्ट फ्लोट एक्सचेंज रेट क्या हो जाता है यहाँ पे क्या होता है एक बैंड के वैल्यू फिक्स कर दी जाती है तो एक्जैक्टली exactly ना तो ये फिक्स है एग्जैक्टली ना तो ये फ्लोट है पेड फ्लोट एक्सचेंज रेट इसमें क्या हो जाता है आपका कि यहाँ पर जो कंट्री है वो क्या कर देती है एक बैंड के वैल्यू फिक्स कर लेती है और उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती रही जैसे सपोज करिए कि हमारी कंट्री ने कह दिया कि हमारा जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमेशा 60 टू 70 के बीच में फ्लोट करेगा अब हमने क्या कर दिया एक पैक डिसाइड कर दिया तो हम फ्लोट तो है सिक्सटी टू सेवेंटी कभी सिक्सटी वन कभी सिक्सटी टू कभी टू पॉइंट टू थ्री कभी सेवेंटी कभी सिक्सटी नाइन पॉइंट समथिंग तो फ्लोट तो कर रहा पर एक बैंड है इसी रेंज के बीच में करेगा तो इसी को हम कहते हैं पैगड फ्लोट एक्सचेंज रेट कहते हैं कि यहाँ पे पैगिंग हो जाती है ये एक्सचेंज कंट्रोल में भी बहुत ज़्यादा ही एफिशियट मैथड होता है कि पैगड फ्लोट में क्या करते थे पैगिंग अप पैगिंग डाउन के जो ये जो आपका रेंज डिसाइड किया गया है उस रेंज में अगर वो आपका जो रेट है उस एक्सचेंज रेट से उस रेंज से ऊपर जा रहा है तो पैगिंग अप हो गया उस जो रेंज आपका उससे नीचे चला गया आपका एक्सचेंज रेट तो पैगिंग डाउन हो गया तो पैगिंग अप पैगिंग डाउन तो मेनली पैकिंग क्या हो पैगिंग क्या हो गया आपका एक रेंज आपकी करेंसी का एक्सचेंज इतनी बैंड के बीच में ही वैरी करेगा अब उससे ऊपर अगर आपका रेट पहुंच गया कभी तो पैकिंग अप, उस रेट से नीचे आपकी करेंसी की वैल्यू चली गई तो पैकिंग डाउन तो जो अगर फ्री फ्लोट हुआ तो तो ऐसा हो सकता है पर पैकिंग में हमेशा ट्राई किया जाता है कि हर कीमत पर आपका इसी के बीच में रहे तो उसी को मैनेज करती रहती हैं कंट्रीज अपना एक्सचेंज को सेल मतलब आपकी करेंसीज को सेल करके या फिर परचेज करके इस हिसाब से उसको मेंटेन करती रहती हैं सो so, ये क्या हो गया ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग का एक तरीके से हाइब्रिड हो गया क्योंकि फिक्स भी है फिक्स क्यों है कि आपको पता है कि इस इस रेट से इस रेट के बीच में ही आपका करेगा फ्लोट भी है क्योंकि टाइम टू टाइम इस रेट के इस रेंज के बीच में वो वैरी भी करता रहेगा सो so, ये इन दोनों का हाइब्रिड होता है तो ये पूरा हो गया हमारा तीनों टाइप एक्सचेंज रेट के फिक्स्ड फ्लोटिंग और पैक्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट तो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा कि कैसे होता है इसके अलावा इसकी थ्योरीज भी हैं जिनके बेसिस पर जैसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स डिटर्मिनेंट्स की किस बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है कि कैसे होगा जैसे इसमें आ जाता है मिंट पैराटी थ्योरी, परचेजिंग पावर पैराटी थ्योरी राइट बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी से इक्विलिब्रियम कहते हैं फिशस इफेक्ट थ्योरी कहते हैं ए, तो ये तीन चार इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ है जिनके बेसिस पे हम एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी जो होती है वो परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी थी परचेजिंग पावर पैरिटी ख़रीदने की जो पावर है उसमें इक्वलिटी लाना मतलब मान लीजिए आपकी फॉरेन का आप फॉरेन करेंसी में डील कर रहे हैं तो अगर आप पांच सामान खरीदना है मैंने मैंने डिसाइड कर दिया कि एप्पल फ्रूट्स लेना है आपको एप्पल ग्रेप्स और ये पांच फ्रूट्स मैंने डिसाइड कर दिए और मैंने बोला कि आपकी कंट्री में ये फ्रूट्स कितनी करेंसी में मिल जाएंगे और वही फ्रूट्स मेरी कंट्री में कितनी करेंसी में मिल जाएंगे तो परचेजिंग बहुत ये अब जितने में आपके में मिले जितने में मेरे यहाँ मिले वो इक्वल हो गया तो मतलब इतना खरीदने के लिए आपको इतना देना पड़ेगा तो परचेज इसकी पावर परचेज करने की पावर कितनी है उसमें क्वालिटी लाना तो ये जो है गस्टो कैसल ने दिया था 1920 में दिया था को कैसे और ये कहते हैं कि एक बास्केट में आप कितना खरीद सकते हो और हम कितना खरीद सकते हैं जितना आप खरीदोगे जितना हम खरीदेंगे और जो रेट होगा वही हमारी एक्सचेंज रेट डिसाइड कर देती है दैट इज़ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी और ऐसे ये सारी थ्योरीज़ हैं बट टाइम लिमिट की वजह से हम बाकी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं बट ये आपका ओवरऑल है सो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच